एक कालीन लेके आए थे वो साथ में तो मैंने यहाँ चेक कराया था म्यूजियम में कह रहे थे तीन सौ साल पुराना है ये ईरान का बताते थे वो है मेरे पास ठाकुर जी हैं बड़े प्राचीन है वो मेरे पिताजी अपनी पीठ पे बांध के लाए थे भावलपुर के लोगों में मैंने ये देखा है कि वो बड़ी मेहनती एक वो है जी तो आप जैसे मर्जी लोग बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं और अंत में हमारी इस जबान का क्या हाल है हम लोग तो बोल लेते हैं भावुलपुरी घर में आ, आ, हमारे बच्चे स, सिर्फ समझ लेते हैं बोलते नहीं हैं उनके बच्चे ना समझते हैं ना वो बोलते हैं बस लगभग आगे ख़त्म ही है और वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो हम उसको भावलपुरी सिखाते हैं और वो अपना साल में एक दिन बाहुलपुर डे के नाम से मनाते हैं महेंद्र जी पिछले वीडियो में आपने बताया था कि आप लोग भावलपुर के हैं खानपुर कटोरे से आपका वास्ता है और आपने बताया था कि आपके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे तो आपने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा जब हम छोटे थे मैं मेरी बहनें दो तो हमारी एक डेढ़ घंटे की क्लास होती थी जो हमें चाहे दिल करे या ना करे वो क्लास अटेंड करनी पड़ती थी और वो नियमित रोज़ होती थी तो उसमें हमारे पिताजी हमारे को इस ज्योतिष संबंधी थी सब बताया करते थे तो मैंने ज्योतिष का काम अपने पिताजी से ही सीखा था सारा जन्म कुंडली वगैरह का हस्तरेखा वगैरह का बारे में मैं नहीं जानता सिर्फ जन्म कुंडली के बारे में जानता हूँ तो पहले तो अब हाथ से बनाते थे जन्म कुंडलियाँ अब 20-25 साल हो गए हाथ से बनाते नहीं कंप्यूटर कुं, कुं, से निकल आती हैं अब तो सिर्फ़ जन्म कुंडली में हम फलादेशी देखते हैं और सही बात तो यह है कि अब मेरे को लगता भी नहीं कि मैं जन्म कुंडली अगर हाथ से बनाऊं तो मैं ठीक बन भी जाएगी क्योंकि काफ़ी मुद्दत होगी अगर बनेगी भी तो फिर बहुत ज़्यादा देर लगेगी क्योंकि आपके जो देखने वाले हैं या आपको जानने वाले हैं उनमें से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि महेंद्र जी इतने बड़े म्यूजिशियंस तो हैं ही हैं वो कुंडलियाँ भी देखते हैं अच्छा आपने और इसी के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं जैसे कि अगर हम बात करें एक जो पंडित के परिवार का बच्चा होता है उसको ये सारी चीज़ें चलो विरासत में मिल जाती हैं क्या उस दौर में जब धागा बांधना झाड़ा लगाना ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती थी या ये चलते फिरते यूं ही सीख जाया करते थे बच्चे नहीं वो हमारे पिताजी ने हमें सिखाया सारा वो पर अब वो, हम करते नहीं तो भूल भी गए हैं कि जो बोलना होता है धागा बांधने के टाइम जो मंत्र बोलना होता है अगर हम ये बांधते तो अब याद भी होता अब तो हमने कभी धागा बांधा नहीं किसी को झाड़ा नहीं डाला तो अब भूल भी गए हैं हो सकता है मेरी बहनों को याद हो अच्छा तो ये जो आ, वैसे हाली की मेरे सब्जेक्ट से है अलग है लेकिन फिर भी मैं जानना चाह जा रहा हूँ कि ये जो झाड़ा होता है ये कितने प्रकार का होता है और ये कितना कारगर होता है अब एक चीज बनी है जिसका कहते हैं भी जिसकी चर्चा है तो उसका वजूद भी मौजूद है कम या ज़्यादा नहीं मैं कह सकता हूँ वजूद है अब झाड़ा कोई आज की बात नहीं पहले लो से लोग पुराने टाइम से झाड़ा डलवाते हैं आज भी लोग कई लोग झाड़ा करते हैं कहते हैं जी फला जगह झाड़ा कराओ पीले ठीक हो जाएगा तो हमारे पिताजी भी पीले का झाड़ा भी डालते थे एक कंठी बनाते थे आग की लकड़ी की वो गले में डालते थे बारी के बुखार का झाड़ा डालते थे कौन सा बुखार बारी का बुखार होता है जो जैसे एक कोई एक बुखार है भी एक दिन छोड़ के आएगा अच्छा, अच्छा, उसको बारी का बुखार बोलते हैं है, तो वो उसका झाड़ा डालते थे तो लोग ठीक हो जाते थे हमारे सामने ही लोग आते थे अच्छा तो एक उनके पास कोई लकड़ी थी जिसको बड़े संभाल के रखते थे बड़ी पुरानी उसमें से ऐसे वो उंगली से ही उठा के उसको ताबीज में दे देते थे वो कहते थे कि किसी को ओपरी है जैसे तो वो भूत प्रेत की छाया है तो दूर हो जाएगी तो बड़े लोग लेने आते थे उसके कोई चार्जेज वगैरह नहीं होते थे वो ऐसे पर ले जाते थे तो उनके मरने के बाद वो लकड़ी मुझे नज़र नहीं आई कहीं पे भी पता नहीं कैसे मिस हुई वो तो ये आपने चार्जेज नहीं होते थे यानी कि ये जो चीज़ थी एक तरह से आपके बुजुर्गों ने जो सीखी होगी वो रोजी रोटी के लिए नहीं सीखी थी थीमत के लिए सीखी थी हिकमत के लिए सीखी थी रोजी रोटी का जरिया ऐसा था मेरे पिताजी वैसे जमींदार थे उनके वहाँ खानपुर में सौ किले कह रहे थे हमारे थे वहाँ जिसमें से पचास फिर यहाँ मिले भी वो सीमन मिले थे दो किले यहाँ सुंदरपुर मिले थे तो रोजी रोटी का जरिया उनका बढ़िया था ये काम तो एक सेवा वाली थी बाकी हमारे यजमान है वो आज भी हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में भी है जो बावलपुर समाज है यहाँ बावलपुर पंचायत है वो लोग हमारे यजमान हैं अब भी वो हमारे पास आते हैं एकादशी वाले दिन जैसे आज एकादशी है तो अपना वो जैसे घड़ा पंखा वगैरह देते दे जाते हैं कोई बुलाता है हम चले भी जाते हैं उनके घर में अच्छा। श्राध वगैरह में कोई बुला लेता है जी पंडित जी भी आपने आना है भाई हम आप हमारे पुरोहित हो तो हम चले भी जाते हैं अच्छा तो कोई इसमें क्योंकि अब खानदानी ये है काम है मना तो नहीं करते किसी को आपके बच्चों ने आपसे ये वाली चीज़ें सीखी नहीं वो अब बच्चे व्यापार में अपने अपना काम करते हैं और उनको इस चीज़ में शौक नहीं और जबरदस्ती कोई चीज़ कोई ना सिखा सकता ना सीख सकता लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ बातें आपके बेटे अनुज में दिखाई देती हैं वो थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है उसको धार्मिक बुक्स पढ़ने का शौक़ है अच्छा ज्योतिष संबंधी कोई वो मैंने उसको बोला है अभी तू थोड़ा ध्यान दे पर वो उसका शौक ज्यादा उसमें है धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ता है जैसे गीता है भागवत है रामायण है वो शुरू से उसको लगन इसी चीज की है वो काम भी यही करता है आज की डेट में आपके पास ऐसा क्या है जो पिताजी लाए थे और आपने संभाल के रखा हुआ है मेरे पास उनकी हाथ की लिखी हुई विवाह पत्ती है एक वो यंत्र बना के देते थे लोगों को वो हाथ से लिखी हुई है वो वो मेरे पास है कॉपी कॉपी है लगाओ एक कालीन आए थे वो साथ में तो मैंने यहाँ चेक कराया था म्यूजियम में कह रहे तीन सौ साल पुराना है ये ईरान का बताते थे वो है मेरे पास अच्छा ठाकुर जी लाए थे वो है एक जिससे वो तिलक करते थे चंदन की लकड़ी से वो चंदन मेरे पास मौजूद है तो वो आज भी। उसको कह सकते हैं कि असली चंदन है उसकी महक आज भी वैसे ही है जैसे चंदन की होती है तो वो खत्म नहीं हुआ या उसका इस्तेमाल ही नहीं करते कम होता इस्तेमाल पहले तो वो रोज तिलक लगाते थे उससे पर वो बड़ी मोटी है लकड़ी अच्छा। मतलब काफी वजनदार है इतनी मोटी है लगभग वो ऐसे इतनी बड़ी लकड़ी है पर ये भी है ओरिजिनल वो जैसे हम उसको अगर घिसते हैं आरसी सी पे तो घिसेंगे तो उसमें उसका तिलक लगाए तो बाकायदा एक अच्छी महक आती है अब के बारे में मुझे पता नहीं कि चंदन असली मिलता है या नहीं मिलता कहते तो है मिल जाता है जी बाकी कह नहीं सकते कुछ भी वो असली है बिल्कुल वो है मेरे पास ठाकुर जी हैं बड़े प्राचीन हैं वो मेरे पिताजी अपनी पीठ पे बांध के लाए थे आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर आपकी कुछ तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं जब आप हरिद्वार में ध्यान मुद्रा में होते हैं कहीं घूम रहे होते हैं तो आपका बहुत एक प्यार है हरिद्वार से क्या कारण है कि आप बार बार वहाँ पे पहुँचते हैं या सिर्फ आस्था के प्रति दोनों चीज़ें आस्था तो है ही है वहाँ गंगा मैया हैं आस्था तो हिंदुओं सब मेरी क्या सारे हिंदुओं की गंगा मैया के साथ है हाँ। बाकी एक बड़ी आध्यात्मिक जगह कह लो बड़ी मनमोहक जगह कह लो हरिद्वार है ऋषिकेश है वहाँ जाए एक मन को शांति मिलती है तो जब दिल करता है चले जाते हैं गंगा जी का स्नान भी हो जाता है अपना घूमना फिरना भी हो जाता है आप भावलपुरी हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भावलपुरी भवन या भावलपुरी धर्मशाला में रहते होंगे ज़्यादातर रहते हैं वहाँ पे भावलपुरीों के ही रहते हैं भावलपुर धर्मशाला में बाकी कई बार वहाँ जगह नहीं होती तो दूसरी धर्मशाला में भी रह लेते हैं जैसे वहाँ बैरागी धर्मशाला है वो भी जो गाँव मैनेजर हैं वो हमारे कुछ क्षेत्र के पास ही कहीं गांव के हैं तो उनके साथ हमारा बड़ा प्रेम प्यार शुरू से ही है मेरे बच्चों के साथ अटैचमेंट है वहाँ चले जाते हैं वो भी बड़ी इज्जत से रखते हैं कोई वो नहीं हमारे शहर के अंदर क्या कोई बाबलपुर धर्मशाला है हमारे शहर में दरअसल बाहुलपुरियों की संख्या कम है बाहुलपुरी परिवार कम है अच्छा तो एक प्लाट तो लिया था बाहुलपुर हमारे सभा वालों ने पर उसको बनाया नहीं वो गली वगैरह में है तो ऐसी कोशिश हुई तो कई बार है सिरे नहीं चढ़ी उसका कारण ये है कि लोग परिवार कम है तो अगर एक एक परिवार से कितने पैसे आजकल तो पचास तो साठ लाख करोड़ रुपए से कम तो धर्मशाला बनेगी कम से कम चाहिए तो कितनी संख्या होगी कितने परिवार होंगे हमारे यहाँ पर अंदाजन लगभग सौ परिवार तो है सौ प्लस ही है सौ प्लस है और एक वो सवाल जो शायद आप ना बताएं कि इन सब सौ परिवारों में से सबसे रिचेस्ट फैमिली कौन सी होगी भावलपुरियों में भावलपुर के लोगों में मैंने ये देखा है कि वो बड़ी मेहनती एक वो है जी तो आप जैसे मर्जी लोग बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान से कुछ परिवार मैंने सुना भी बड़े गरीबी की हालत में है यहाँ बड़ी मेहनत की उन्होंने तो आज वो बड़े अच्छे उस पोजीशन में हैं पैसा है उनके पास ठीक है काम भी कर रहे हैं बच्चे भी आगे लायक हैं तो इन परिवारों का समाज के प्रति या अपने बिरादरी के प्रति आ, वो योगदान नहीं है कि धर्मशाला बन पाए या बन सकती है बनने को बन जाए और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए अब वो गली में भी इतना पैसा क्या लगाएंगे क्योंकि वो हमारा जो पंचायत का प्लाट है वो गली में है तो गली में अब पार्किंग की भी समस्या है सब है अगर बाहर जगह लें तो जगह बड़ी महंगी है पहले तो जगह के लिए पैसे चाहिए फिर उसके बाद उसको तो बनाने के लिए पैसे चाहिए तो इसलिए थोड़ा रह जाता काम ये सो परिवार शहर के किस किस कोने में बसे हैं ज़्यादातर लोग तब तो अर्बन सीट में चले गए अच्छा कुछ परिवार अभी शहर में हैं पर वैसे जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता ही है तो कोई बावलपुरी कॉलोनी भी है नहीं बाहुलपुरी कॉलोनी कोई नहीं है अच्छा अलग अलग रहते हैं और अंत में हमारी इस जबान का क्या हाल है लगभग अब मेरी उम्र सिक्सटी थ्री है हम लोग तो बोल लेते हैं के घर हाँ, में हाँ। हमारे बच्चे सिर्फ समझ लेते हैं बोलते नहीं हैं हाँ। उनके बच्चे ना समझते हैं ना वो बोलते हैं बस लगभग आगे खत्म ही है खत्म हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की बात बता रहा हूँ बाकी का पता नहीं आपने वैसे किन किन शहरों में ऐसी आ, ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको सुन के आपको लगता होगा कि इस शहर में जिंदा रहेगी जबान ये लोग मरने नहीं देंगे जबान मैंने देखे तो कहीं नहीं भी पर सुना है एक धुले महाराष्ट्र में शहर है वहाँ पर कह कहते हैं लगभग एक हज़ार परिवार बाहुलपुरी का रहता है और वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा जब बोलना शुरू करता है हम उसको भावलपुरी सिखाते हैं हाँ और वो अपना साल में एक दिन बाहुलपुर डे के नाम से मनाते हैं बिल्कुल वो उन्होंने हमें भी कई बार आमंत्रित किया है रवि कालड़ा जी हैं रवि कालड़ा जी जी तो वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे तो भावलपुरी ब... सीखना ही भावलपुरी से शुरू करते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल अच्छी बात है ये जवान जिंदा रहेगी हमारे यहाँ ऐसी कोई कोशिश नहीं है <laughs> महेंद्र जी बड़ा बड़ा धन्यवाद आपने ना बड़ी सारी चीज़ें आज एक साथ बता दी हैं हालांकि आपके साथ जुड़ा हुआ एक वीडियो बड़े सारे लोग देखते रहते हैं और इसके बाद और ज़्यादा देखेंगे कि आखिरकार केशव ने इनको क्यों बिठाया साथ में कैसे पूछी चीज़ें कौन है ये अब ये वाले सवाल पूछने वाले और समझने वाले वो लोग होंगे जिन्होंने पिछला वीडियो आपका नहीं देखा है इसलिए मैं वो वाला आपका वीडियो साथ में जोड़ रहा हूँ कि आपका ये वीडियो ख़त्म हो तो सामने ऑटोमेटिक दूसरा वीडियो आ जाए